की तरफ से 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा फेल होता नजर आ रहा है। राज्य में युवाओं की स्थिति जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है उससे साफ है कि युवा रोजगार को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जब भी एसी है, 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 है। चूड़ी इसलिए लाए है ना कि जितना भी सीटवा सब बेचा है, ठीक है, और हम लोग का जो हक मारा है उसके लिए चूड़ी लाए। चाहे पारा टीचर का मामला हो या फिर सहायक पुलिस कर्मियों का या फिर पारा मेडिकल स्टाफ की बात हो, सभी सरकार के वादे से अब खफा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी सरकार पर सवाल खड़ा करना तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब रोजगार को लेकर किस तरीके की बात कर रहे हैं, पहले जरा उसे ही सुन लेते हैं। ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए हमारी योजना है, हमारा गांव के लोगों का आय का संसाधन, आप नौकरी का खोजते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता, दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो सुना आपने क्या कुछ कहा सीएम हेमंत सोरेन ने। इधर झारखंड में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार पर अब हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। अब युवाओं में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है और उनका आक्रोश चरम पर है। आज हजारीबाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में युवाओं के आक्रोश की झलकी देखने को मिली, जब उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया, हुडिंग की, माननीय मुख्यमंत्री जी को ठीक से बोलने नहीं दिया। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को अविलंब अपने किए गए वायदों को पूरा करना चाहिए, नहीं तो युवाओं के आक्रोश की ये शुरुआत है। मुख्यमंत्री जी, युवाओं ने बड़े बड़े शक्तियों को पलट दिया है, तानाशाही के खिलाफ इनकी आवाज हमेशा बुलंद रही है। युवाओं के साथ धोखेबाजी अच्छी बात नहीं है और हजारीबाग में जो आज हुआ मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप युवाओं के साथ झूठे वायदे करेंगे तो ऐसे सीन आपको प्रदेश में आगे भी देखने को मिलेंगे। राज्य में सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार का बचाव किया, साथ ही बीजेपी की सरकार के समय पर भी टिप्पणी की। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कहा जरा सुनिए। और स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि इस राज्य के युवाओं को रोजगार देने की जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो प्राथमिकताएं सरकार जल्द पूरा करेगी और हम इस राज्य के युवाओं को 5000 और 2000 की नौकरी दे करके अपना पीठ नहीं थपथपाना चाहते। हम इस राज्य के युवाओं को इस राज्य में परमानेंट नौकरी देना चाहते हैं और स्वाभाविक तौर पे हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हमारा प्रयास जारी है और बहुत जल्द यहाँ के युवा नौकरी की ओर प्रस्थान करेंगे। बहरहाल राज्य में युवा एक बार फिर से अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान है। जब भी एसी मुर्दाबाद, 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 जब भी एसी है, 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 है। चूड़ी इसलिए लाए है ना कि जितना भी सीटवा सब बेचा। नौकरी के लिए अहर्ता रखने के बाद भी राज्य में जिस तरीके के हालात दिखाई पड़ रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले समय में राज्य के युवाओं के सामने कई चुनौतियां दिखाई पड़ेंगी। ऐसे में अब राज्य सरकार युवाओं के लिए किस तरीके से कार्य कर पाती है ये वक्त ही बताएगा। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।